आप मुझे बताइएगा कि अब जो एक तरफ हम देख रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की सूरत हाल हो या फिर दूसरा जो केस चल रहा है बैंकिंग कोर्ट में, ये जो जमानत खारिज हुई, अब उन्होंने प्रोटेक्शन बेल के लिए रुजू कर लिया है, वहाँ भी उनको पेश होने के लिए कहा गया, उन्होंने कहा तिब्बी बुनियादों की वजह से वहाँ पर पेश नहीं हो सकते हैं तो रिलीफ दिया जाए, क्या कानूनी मामलात हैं और क्या पेशगीदियाँ उनके लिए मजीद हो सकती हैं? देखिए, अभी तो हम यही देख रहे हैं कल से कि लाहौर हाई कोर्ट के एक फाजिल जज जो हैं उनके पास उनकी एक हिफाजती जमानत की जो दरख्वास्त पेंडिंग है उस पर कोई मेरा ख्याल 10 दफा तो टाइम दिया जा चुका है। एक बात मैं आपको अर्ज करूं कि ये आपने जो अभी पूरी तफसील बताई कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो हुक्मरान रहे हैं या अभी भी हैं उनके साथ कैसे तरजीही बुनियादों पर कानून और जो है अदलिया का उनको जो है रियायतें मिलती रही हैं, बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है। अगर आप एक आम शहरी को देखें, अगर एक आम मुलजिम हो वो अगर प्रोटेक्टिव बेल के लिए जाए या कबल अज गिरफ्तारी जमानत के लिए जाए और खुद मौजूद ना हो तो वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं चाहे वो सेशन जज हों हाईकोर्ट के जज हों वो एक सेकेंड नहीं लगाते उनकी जमानत उसकी जो दरख्वास्त उसको खारिज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखा है कि ये कल से ये जो है वो टाइम लेना ना लेना, देखें मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर के ऊपर, अभी कल की जो बात है, कल दो इस्लामाबाद की अदालतों ने उनको आखिरी टाइम दिया हुआ था कि आप पेश हों वरना आपकी जमानत कैंसिल हो जाएगी। जैसे कि इस्तदादे दहशतगर्दी की अदालत ने जो है उनकी वो जो उबूरी जमानत थी उनको वापस ले लिया, उसको मुस्तरद कर दिया, जिसकी हिफाजती जमानत के लिए अभी वो लाहौर हाईकोर्ट में। जहां तक वो जो बैंकिंग क्राइम वाली अदालत थी, मैं खुद उस अदालत में मौजूद था, उसमें मैं इमरान खान साहब के अलावा कुछ 4-5 जो उनके साथ जो पीटीआई के लीडरान हैं उनका मैं खुद वकील था। अच्छा। इमरान खान साहब की जो पिछला जो बैंकिंग कोर्ट का ऑर्डर था उसको हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था कि आप इस पे 22 तारीख तक जो है फैसला नहीं करेंगे। बाकी वो जमान की वहां पे जमानतों की दरखास्त के ऊपर समाप्त हुई, मैं खुद भी उनमें एक वकील था, तमाम की जमानतें जो है कबल गिरफ्तारी अदालत ने कन्फर्म कर दी है। अगर इमरान खान साहब उधर मौजूद होते और वो ठीक है उनकी मेडिकल रीजंस की वजह से जिस वजह से भी वो गैर हाजिर थे उनकी भी जमानत हो जाती, मैं ये कहूंगा कि ये जो इनकी जो लीगल टीम है पीटीआई की, उनको मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को ये पावर करवाना चाहिए कि जो अदालती तरीका कार है या जो कानून की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा होना जरूरी होता है, वो क्यों बसित है कि वो उन्होंने पेश नहीं होना लाहौर हाई कोर्ट में, वो गाड़ी में बैठ के अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में अगर सिर्फ हाई कोर्ट के हाथे में आ जाएं, ऊपर भी ना जाएं और उनको अदालत को बता दें और अदालत का अमला देख ले कि वाकई वो पेश हुए में, ये सफिशिएंट है उनकी हाजिरी को। तो मैं ये कहता हूं कि ये हैजान की एक कैफियत जो है कल से हमें एक जमानत में कौम जो है वो बिल्कुल एक जेनी जो है वो उसमें बिल्कुल कैद हुई हुई है। ये चीजें टीम की चीजें हैं। असल मामला जो आपने जिसकी निशानदेही की वो ये है कि एक पूरे का पूरा नया बजट कल आ चुका है, उसमें महंगाई जो है वो आसमान तक पर पहुंच गई है, उसमें जो गरीब आवाम है या इवन जो दरमियाने तबके के लोग हैं वो भी पिस के रह गए हैं। असल मसले वो हैं, लेकिन हमारी जो हेडलाइंस हैं, हमें जो सबसे हाईलाइटेड न्यूज है कल से वो सिर्फ ये है कि एक फाजिल जज जो है लाहौर हाई कोर्ट के वो एक अबूरी जमानत जो है उसके ऊपर फैसला नहीं कर पा रहे। जी हाँ, क्या करें कि हमारे जो असल मसाइल है, मुझे ऐसा लगता है कि तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि फिर बेचारी आवाम जो होते हैं उनके मसले पे कोई बात ही नहीं करता, लेकिन ये बड़ा ही अफसोसनाक है और एक अलमिया है हमारे मुल्क का। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब आपके कीमती वक्त का, आपकी कानून शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन, सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सोहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।